और ठंडी हवा चल रही है। पता नहीं किन्होंने कहा, किसने कहा ये स्टोरी लिखने को, इसके लिए तो इनके इनके साथ कुछ मेरा बात इसको देख करना के दम पड़ेगा। घुटता है। जहां पर भी आपको पता हो ना कि यार अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जनाब ड्रामा सीरियल जो कि नया रिलीज हुआ है, मुश्क। जी हाँ, मुश्क के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसके साथ ही जो जुड़े हुए इससे बहुत ही सीरियस किस्म के टॉपिक्स हैं वो जो हैं वो मंजरे आम पर आज आएंगे। इसकी इस ड्रामे की सबसे जो अभी तक की अच्छी बात है वो ये है कि, और डिफरेंट जो आपके लिए सरप्राइज होगी, अभी तक बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं भी होगी लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए होगी, और वो ये है कि ये ड्रामा लिखा है इमरान अशरफ ने। जी हाँ, इमरान अशरफ ने अपने कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी एक रेपुटेशन बना ली है। बहुत सारे लोग इसको पसंद करने इनको जो है वो बहुत इनके फैन हो गए, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई हुई है। बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, इनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, और इनका जो बड़ा ही डूब के किरदार के अंदर करने वाली जो इनकी जो खसूसियत है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो और वो मैं भी करती हूँ। और ये इनकी एक और बड़ी स्पेशलिटी है, और वो ये है कि नेगेटिव रोल में भी ये छा जाते हैं। यस, दैट इज रियली अमेजिंग। और ये किसी इंसान को अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन होती है कि वो एक मनफी किरदार कर रहा है, इसके बावजूद इतना वो लोगों के दिलों में घर कर जाए। ड्रामे का आगाज होता है मोमल की वापसी से। मोमल ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है। उनके जो दादा जान हैं वो अपने बेटे की डेथ के बाद, चूंकि वो उनके जो दादा जान थे वो हैं वो अपने गांव के जो है वो मुंसिफ भी हैं, जमींदार हैं और मुंसिफ भी हैं। और अभी हम इसके साथ ही बात करेंगे, क्योंकि इस ड्रामे की जो है फर्स्ट एपिसोड जो है वो लग चुकी है और सब लोगों ने देख ली हुई है। और इसका जो इससे पहले OST रिलीज हुआ है वो भी सबने देख लिया है। तो अब बात यह है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के सिर्फ जो बाहर से नजर आता है उसको देख के और वही हम बयान नहीं करना शुरू कर देते। हमारा जो यहाँ पर रिव्यू करने का तरीका होता है वो होता है कहानी का क्रिटिकल एनालिसिस करना, और उसको जो है मतलब उसकी प्लॉट कहानी है भी या नहीं, उस ड्रामे में प्लॉट क्या है या कैरेक्टराइजेशन उसकी किस तरह से है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये जो ड्रामा है मुझे इसके अंदर कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इमरान अशरफ मुझे आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू मतलब नो के ये उनका उनकी खैर से तख्लीक है। और जब फिर मैंने उस सारे चीज़ों को दोबारा से मैंने रिवाइज़ किया और मैंने देखा उस सिनेरियो में, जिसके जी एक ऐसा मतलब चुलबुला सा नज़र आने वाला एक्टर जो है वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी अच्छा स्क्रिप्ट लिख रहा है और इतने अच्छे तरीके से कहानी के किरदारों को आपस में जोड़ रहा है, और किस तरह से उसके अंदर मतलब हर किरदार जो है अपनी अपनी जगह पे अच्छा है, मतलब नजर आ रहा है, फिट नजर आ रहा है, तो वो देख के मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब इट वाज अ पॉजिटिव सरप्राइज फॉर मी। सो क्यूडोज अगेन फॉर इमरान अशरफ फॉर दिस। सबसे पहले तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे जनाब जो है इस ड्रामे की, जो अब जिस तरह से व्यूअर्स इसको लेंगे और जिस तरह से उन्होंने लिया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ओवरऑल वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मैं भी वेबसाइट के ऊपर जो बच्चों के सॉरी जो इसमें बच्चों कह रही हूँ, लोगों के जो इसमें रिव्यूज़ हैं दे आर वेरी मच काइंड ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज़, और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ओवरऑल। तो सेकेंडली अब हम बात करेंगे इसके ऊपर जनाब, तो मतलब काफ़ी इसको जो है सराहा जा रहा है। अभी हम अगर बात करें इसके ड्रामा के मैं हम बात करते हैं कि किस तरह से व्यूअर्स इसको लेंगे, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इस कहानी के अंदर बात क्या की जा रही है। अब अभी तक की मेरे इसके अंदर जो मैंने इसका जायजा लिया है वो ये है कि इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू निकाला गया है, इसको डिस्कस किया गया है, उसके ऊपर बात की जा रही है, और वो है कि अगर दो लोग
शादी कर लेते हैं किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि बड़ी मतलब इमरजेंसी थी और शादी करना पड़ गई. बहुत सारी रीजंस होती हैं, सिर्फ कोई प्यार मोहब्बत ही नहीं होता, और भी बहुत सारी रीजंस हो जाती हैं. तो उस सूरत में उनके पास उनकी फैमिली में से तो कोई गवाह नहीं है. अब ऐसा होता है कि किसी को बताने से पहले ही हस्बैंड की डेथ हो जाती है. अब ऐसी सूरत में वो लड़की क्या करेगी? तो फिर उसके ऊपर जिस तरह से बाद में खानदान का प्रेशर आएगा, और जिस तरह से फिर एक ये चीज दिखाई गई है उसमें, मेरा तो दम घुट रहा था उस चीज को देख कर. एक तो कि किस तरह से उसकी जो वो जो खातून है मोमल शेख जो है, जो करेक्टर है ये वाला, मतलब उस बेचारी को कितना उसके ऊपर भरोसा है सबको. ठीक है, अच्छा एक एक पॉइंट इमरान शेख को पता नहीं किन्होंने कहा, किसने कहा ये स्टोरी लिखने को, इसके लिए तो इनके साथ खुद बात करना पड़ेगी कि इनकी अपनी जहन की तख्लीक है या इनको ये किसी ने कहा था कि इस टॉपिक के ऊपर लिखो. एक तो ये क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है इनके लिए. दूसरी बात ये कि मतलब ये जो पॉइंट है, मतलब ये क्यों बार बार लेकर आया जाता है कि यार जिसके ऊपर भरोसा किया जा रहा है, खासतौर पर वो फीमेल है, और उसके ऊपर उसके और जो ट्रस्ट करने वाला है वो फिर अगेन एक पैट्रियार्की कल्चर का सबरा है. फादर होते हैं नॉर्मली, और अभी ये उनके भी फादर है खैर से, आगे से दादा जान है, वो भी इतने रिस्पेक्टफुल, हाईली रिस्पेक्टफुल, और वो अपने जिस तरह फियोंसे को या जो भी है अपने खानदानी होने वाले या वुड भी फियोंसे को, जिस तरह से इमरान अशरफ जो है वो उनसे चुप ही मोहब्बत करते हैं, और वो उनको छोड़कर जब वो बाहर जाती है फिर बाहर जाके शादी कर लेती हैं छुप छुपा के, तो देखने में क्या स्टोरी है और उसकी असलियत क्या होती है. मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को जब नहीं पता होती तो बड़ी वो अजीब सी नजर आती है, मतलब चीप लगता है कि यार इसने क्या हरकत की, वहां जाके इसने शादी कर ली, गई तो ये पढ़ने थी. ठीक है, और ऊपर से उसकी फैमिली में उसकी जो ताई है वो उससे हसद भी करती है बहुत ज्यादा कि यार ये मेरे से हर तरह से मतलब नीचे है, पीछे है, छोटी है मुझसे, और इसके बावजूद इसको इतना सारा आंखों पर रखा जाता है. अब वो बाप जो है उसकी मतलब जो दादा हैं उसके, वो उसको अपने बेटे बेटी जो है उनको अपनी बेटे की जगह पर ले रहे हैं. अब मुझे ये इसमें इस बात पे इतराज है कि यार अगर आपने बेटी को इतना मकाम दिया है इस ट्रॉमे के अंदर, वो दादा ने उसको उसका मकाम दिया है, तो आप उसको गिरा क्यों रहे हो? दिस इज माई क्वेश्चन. आप कहते हो फिर बाद में आप कहते हो कि यार ये पैट्रियार्की के ऊपर टारगेट हो रहा है फलां और फलां. मेरी अभी तक सुबह तक जो है वो मेरी बहस चल रही थी इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाने की जरूरत है. एक तो ठीक है वो मैं चूंकि हमारा रनिश नहीं अभी ये, मैं इसलिए अभी इसके ऊपर बात नहीं करवा दी, लेकिन ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज. क्या पहले जो है वो रिलेशनशिप्स के आपस में जो एतबार है उसको खुद ही तोड़ रहे हो, तोड़ आप बता रहे हो कि सोसाइटी को, मतलब खलील रहमान कमर का वाला जो इशू था और उसके बाद से मतलब इमरान अशरफ अब आ गए, हालांकि ये माशाल्लाह से इतने पसंद किए जा रहे हैं. मुझे इस वक्त अफसोस हो रहा है कि ये इन्होंने क्यों लिखा है, काश ये किसी और ने लिखा होता. मतलब एक इंसान का होता है ना, फैनशिप होती है, मतलब स्टार होते हैं वो, उसके उनको यकीन नहीं आता, नहीं यार इसने, काश इसने, तो अब उन्होंने लिखा तो बहुत अच्छा है. मतलब वो उस सीन उस सेंस में वो जो है वो बहुत ऊपर है अपने जगह पर, लेकिन मे बी उनको नहीं पता इनडायरेक्टली, या मे बी वो पता ही हो. ठीक है, या वाकई मतलब यानी उस वो उन्हीं निशानों पर चल रहे हो जो खलील रहमान कमर जिसके ऊपर चल रहे थे, कि पहले आप अपने घरों की बेटियों माओं को खुद जो है वो बताते हैं कि यार इसने हमारा भरोसा तोड़ना ही तोड़ना है. खलील रहमान कमर ने क्या किया था, उन्होंने बताया कि जिस औरत को आप इतना प्यार दोगे ना वो आपको डसेगी डसेगी, अपने सारे ड्रामास में थ्रू आउट वो दिखा रहे हैं. अब ये भी वही चीज है कि बेटी पे भरोसा किया जाए वो तो भाई उसने तोड़ना ही तोड़ना है. हालांकि ये बातें बहुत पुरानी हैं, लेकिन अब आप उनको इतना ज्यादा रिपीट करने लग गए हो कि अब अच्छी से अच्छी औरत का भी कोई भरोसा अब मुश्किल ही करेगा. तो मुझे ये चीज बिल्कुल खटक रही है आंखों में, और मैंने इसको आखिर तक पता नहीं कैसे देखना. मेरा जो इसको देखते साथ ही फर्स्ट लुक है इसकी, और उसके बाद जो इसकी आफ्टर इफेक्ट है वो ये है कि मेरा दम घुट रहा है, मेरा इसको देख के दम घुटता है. जहां पर भी आपको पता होना कि यार ओ माय गॉड, और ऊपर से फिर उसको तो नहीं पता कि उसका हस्बैंड जो है वो जिंदा है. अब हुआ होता ये है कि जो मोमल होती हैं वो वहीं पर होती हैं, ये वो जो उसका हस्बैंड होता है वो शादी निकाह के फौरन बाद कहीं पाकिस्तान चक्कर लगाने के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पर वो फंस जाएगा और उसको जेल वगैरह हो गई है. तो अब उसके बाद से उसको वहां इंग्लैंड में ये खबर गई, जहां पर भी वो गई हुई है पढ़ने, अपेरेंटली तो ऐसे ही कुछ लग रहा है किसी बाहर इंग्लैंड या अमेरिका भी हो सकता है, सॉरी आई थिंक बताया गया, एनीवेज मुझे याद नहीं. तो डू रेक्टिफाई मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एनीवेज तो हाँ, विल आई, तो बहरहाल लेट्स गेट आउट ऑफ इट.
तो उसमें जो ये जो चीज है, बाद में यानी उन तक खबर ये जाती है कि उनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है। तो अब वो चूंकि अभी उसको तो यही है कि उसकी डेथ हो गई है, तो वो दरमियान में ना कहीं जाके इमरान अशरफ से शादी भी करेंगी, तो वो इमरान अशरफ से शादी भी करेंगी। तो बहरहाल अब अच्छा, अब उस सूरत में क्या होता है, अब मुझे ये डर है कि इस ड्रामे, पता नहीं कैसे ये जो राइटर्स हैं, माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको अपनी अमान में रखे, मतलब ये लोग इतने ऐसे ऐसे गरम गरम इश्यूज को, ऐसे हॉट और बड़े सेंसिटिव इश्यूज को कैसे अपने हाथ में, मतलब बड़े मजे से लेकर उनके साथ खेलना शुरू कर देते, इनको नहीं पता कि मुझे डर है, मतलब मीन्स की इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू कि अगर इन ना किया अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज या रिलीजियस वैल्यू या फिका जो भी होती है, कि ऐसी सूरत में क्या होगा। आई एम डैट श्योर ऑफकोर्स, बल्कि ऐसा ही हुआ होगा कि उन्होंने मुफ्तियों वगैरह से भी इल्म हासिल किया होगा इस बारे में, सारा कुछ उनके मुताबिक हुआ होगा, बट स्टिल, और हो सकता है कि इससे अच्छा नॉलेज ही मिले, लेकिन फिर भी वो बात आ जाती है ना कि है तो ये ड्रामा ना, जिसको के मतलब यू नो अलाउड भी नहीं समझा जाता हमारे मजहब में, कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ठीक है, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए और ऐसे इशूज़ के ऊपर बहुत ध्यान से बात करनी चाहिए। मेरा ज़्यादा ख्याल है कि इन इशूज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज टाइप होनी चाहिए, ठीक है, और अगर आपने ड्रामाज ही बनाने हैं तो इनको और तरह से भी पेश किया जा सकता है। मतलब लड़की इतनी घुटी, मतलब किस तरह से वो बेचारी, वो फिर किस तरह से उसने प्लानिंग की और अपने साथ एक और लड़की को मिलाया और उसको 6 महीने के लिए उसने कहा कि तुम बस इससे ज्यादा मेरे साथ नहीं रुको, मतलब वो बच्चा, अपना बच्चा उसने उसको देकर, और मतलब क्या बीत रही है यार, मतलब। और फिर दूसरी बात, इस ड्रामे के थ्रू ये भी लेसन जा रहा है कि आपको अपने पेरेंट्स से कोई बातें नहीं छुपानी चाहिए, एक तो ये बात होती है। आई अंडरस्टैंड कि ऐसे हालात रहे होंगे कि उसने कहा होगा हम अब भी जाएंगे और जाकर डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन आपने देखा ना, मौत और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको चांसेस हर वक्त नहीं देते होते, ठीक है, तो ये चीज़ें भी अंडरस्टैंड करनी होती हैं। और फिर बहरहाल ओवरऑल ड्रामे का जो जो थीम है, जो ड्रामे की जो है, वो ऑफकोर्स इट्स अ मिशन बेस्ड, इट्स अ लेसन बेस्ड ड्रामा, मुझे काफ़ी उस हिसाब से मुझे, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन इट और आई विल फॉलो दिस ड्रामा टिल एंड व्हाट सो एवर, चाहे दम घुटे जो मर्जी हो, लेकिन इट्स अ वेरी क्रिटिकल इशू बेस्ड ड्रामा, आप लोग भी जरूर देखिए और आपने मुझे जरूर बताना है कि हमारा रिव्यू इसके ऊपर कैसा जा रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर कि उनको मेरी जो है वो आवाज़ समटाइम्स जो है वो नीचे हो जाती है, आप प्लीज़ मुझे भी बताइए, अपनी आवाज़ से जरूर आगाह कीजिए। और सेकेंडली मुझे ये बताइए कि इस इन रिव्यूज़ में आपको कुछ जानने को मिल रहा है, या ड्रामाज के हवाले से जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं उसमें हमारा ये जो शो है रिव्यूज़ का, उससे कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ठीक है, हम इसको कैरी ऑन करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो हम चुप करके अपने व्लॉग्स करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सो स्टे ट्यून्ड, डू लेट मी नो अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में आपने जरूर करना है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। और टिल द नेक्स्ट रिव्यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।